हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर एक्सप्लोर पर। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा ये न्यू चैनल है यूट्यूब पर, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अपना पहला टूर एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। बैग एकदम पैक हो चुका है और हम लोग अभी निकल रहे हैं वृंदावन और मथुरा के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री राधा निकुंज पर। दोस्तों, राधा निकुंज जो होटल है यहाँ पे आपको लग्जरी फील देने वाला है वृंदावन के अंदर। तो दोस्तों, वृंदावन में अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ही बेस्ट होटल है। रिसेप्शन के लिए जो अपनी एंट्री जाती है श्री राधा निकुंज होटल की, वो ये सामने ही है। बिल्कुल आप गैलरी देख रहे होंगे और ये बिल्कुल दोस्तों गैलरी में ही एकदम सामने जाकर के आप रिसेप्शन का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं राइट साइड में आपका रिसेप्शन काउंटर मिलेगा आपको। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार होटल दिखा देता हूँ अच्छे से। ये पूरा यहाँ पे बिल्डिंग है और ये फ्रंट वाली और ये बैक साइड वाली बिल्डिंग है, और साथ ही साथ ये गैलरी है जो मैंने आपको दिखाया था। और दोस्तों, साथ ही साथ आप यहाँ पर घुड़सवारी भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि श्री राधा निकुंज होटल की तरफ से ही ये दी गई है आपको फैसिलिटीज़ जी। जैसे कि देखिए दोस्तों, सब यहाँ पे घुड़सवारी भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये श्री राधा निकुंज की तरफ से ही है जी सर। यस सर, यस। तो इसका क्या चार्ज करते हैं भैया आप? सर 100 रुपीज। 100 रुपीज पर पर्सन? यस सर। तो कितना टाइम कराते हैं आप लोग इसको? ये आपका रोड से और बिल्डिंग तक चक्कर लगाते हैं। रोड से बिल्डिंग तक? यस। चलिए, थैंक यू सो मच बात करने के लिए हमसे। तो ये दोस्तों, यहाँ पे इसका बैक साइड में गार्डन एरिया आ जाता है होटल श्री राधा निकुंज का, और यहीं से बिल्कुल ये मेरे बैक साइड में जो गैलरी जा रही है, यहीं से आप लोग सीधे अपना होटल के रिसेप्शन के लिए एंट्री करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, होटल जो है वो इकोनॉमी में आपको एक लग्जरी फील देगा बिल्कुल, ठीक है। मतलब प्राइजेस वगैरह भी यहाँ पे बजट में ही है, होटल कोई इतना कॉस्टली नहीं है कि आप लोग, लेकिन हाँ ये है कि स्टे आपका जो होगा वो बिल्कुल यादगार होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी रिसेप्शन पर एंट्री कर चुके हैं, तो मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे रिसेप्शन है यहाँ से, और यहाँ से बिल्कुल हम लोग एंट्री लेते हैं अपना रिसेप्शन के अंदर, होटल के अंदर। होटल श्री राधा निकुंज का रिसेप्शन आ जाता है, और यहाँ पे दोस्तों साथ में आपका सिटिंग एरिया दिया हुआ है बैक साइड मेरे, ठीक है, जहाँ पे आप लोग बैठ कर टी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो रूम को मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा अभी थोड़े टाइम के बाद, नेक्स्ट वाला जो अपना पार्ट होगा उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे पूरा। यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर, जो होटल का ही रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पे अभी एक्चुअली डिनर का टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको खाली खाली फील हो रहा है, लेकिन छोटा सा यहाँ पे रिसेप्शन दिया हुआ है रेस्टोरेंट का। देन यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिटिंग एरिया है आपका। तो यहाँ पे ये लोग आई थिंक बफे भी लगाते हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे बैक साइड में बफे भी लगे हुए हैं, और सिटिंग तो है ही अपनी, तो साथ में यहाँ पे बफे है ये। ये बफे सिस्टम भी आई थिंक ये लोग रखते होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इनसे कन्फर्म करके मैनेजर साहब से। इसीलिए मैं होटल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जब भी वृंदावन आए तो आप लोग बेफिक्र होकर के, श्री राधा निकुंज होटल है, यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं हम लोग मिस्टर नासिर से। मिस्टर नासिर, वेलकम आपका हमारे चैनल पे टूर एक्सप्लोर पर। राधे राधे साहब। तो सर जी, मुझे बताइए आप लोग के अभी जो अपना होटल है वो कितना टाइम अपने होटल का हो चुका है यहाँ पे? होटल 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अभी जैसे क्राउड अपना आ रहा है यहाँ पे, आप किस तरीके से, लॉकडाउन भी गया है अभी, किस तरीके से आप लोग मेंटेन कर रहे हैं होटल को? प्रॉपर स्टाफ आपका किस तरीके से रहता है? रूम्स वगैरह आप सैनिटाइज करते हैं या किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? जी जी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम डेली अपने रूम्स को सैनिटाइज भी करते हैं और सभी नॉर्म्स फॉलो करते हैं। लॉकडाउन सभी के लिए बड़ा ही एक बुरे सपने की तरह ही गुजरा है, और हम लोगों के लिए भी बड़ा खराब रहा है। हालांकि अब ठाकुर जी की कृपा से, बाकी राज्य की कृपा से, अब वृंदावन पे जीवन जो है पटरी पर लौट रहा है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है इस महामारी का, तो ये भी बड़ी कृपा ही मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नासिर जी, जैसे कि मैंने देखा है आपका होटल है, स्टाफ है आपका, पूरा स्टाफ जो है मास्क वगैरह प्रॉपर वेयर कर रहा है, ठीक है। सो आप लोग अपने स्टाफ को बता के रखते हैं कि मास्क पहनना है, या फिर किस तरह वो खुद ही
प्रिपेयर हैं उस चीज़ को लेकर के। जी जी, हम समय समय पे उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं और सभी को मालूम है कि प्रिकॉशंस रखना है, और क्योंकि गैस की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी दोनों ही सर्वोपरि है, और डेली ही अभी अपना फॉलोअप होता है इस चीज़ का कि कौन कौन स्टाफ पहन रहा है, नहीं पहन रहा, और सभी लगभग सभी लोग हमारे सारे एम्प्लॉयज सब जानते हैं अच्छी तरह से कि कैसे कैसे प्रिकॉशंस रखना, कैसे प्रिकॉशंस रखना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे रूम्स वगैरह की अगर हम लोग बात करते हैं मिस्टर नासिर, सो रूम्स वगैरह आप लोग पहले से सैनिटाइज कराते हैं, या अगर कोई कस्टमर अगर बोलता है कि नहीं मेरे सामने आप रूम को सैनिटाइज कराएं, तो उस टाइप पे आप क्या करते हैं? जी जी, दोनों ही तरह से करवाते हैं हम, सभी रूमों को डेली तो कराते ही हैं सैनिटाइज, लेकिन अगर कोई गेस्ट कहता है कि हमारे सामने भी कर दीजिए तो हम उनके सामने भी करवा देते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बाकी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर हमारे रेफरेंस से या हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई व्यूअर आपके यहाँ पे स्टे करने के लिए आता है, सो उनके लिए क्या स्पेशल होगा? मैं तो अपनी तरफ से चाहूँगा कि आप उन्हें कुछ डिस्काउंट दें, सो डिस्काउंट आप डिस्क्लोज मत कीजिएगा, बट ठीक है, जो भी व्यूअर आता है और हमारे चैनल के रेफरेंस से अगर आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? जी जी डेफिनेटली, मतलब भाई मेरा कमिटमेंट है कि जो भी आपके रेफरेंस लेके यहाँ पे आएंगे उनको ये बेस्ट से बेस्ट हमारा अवेलेबल डिस्काउंट जरूर देंगे, और बाकी लोगों से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा सर। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको होस्ट करके काफ़ी अच्छा लगे हम लोगों को, और दोबारा से आइएगा, सभी लोगों को भी बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं बांके बिहारी के लिए, और तो चलिए मैं रूम आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ एक बार। तो ये दोस्तों हमने रूम के अंदर एंट्री ले चुके हैं हम, और सो ये दोस्तों बालकनी है, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग में बैठ करके, सिटिंग एरिया है काफ़ी अच्छा है, और इसके बिल्कुल फ्रंट में ही ये गार्डन है। यहाँ पर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, एक्चुअली इवनिंग का टाइम है। सो दोस्तों हमने जो स्टे किया है दोस्तों वो यही है हमारा रूम, एग्जीक्यूटिव रूम है अपना। सो ये रूम है दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव रूम है। मेरे को तो रूम बहुत बहुत अच्छा लगा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि रूम कैसा लगा आपको, और ये श्री राधा निकुंज होटल जो है कैसा लगा आपको। यहाँ पे भी ये बालकनी है आप देख पा रहे हैं,
उधर से आप बेडरूम से भी बालकनी का एंजॉय कर सकते हैं, बालकनी में जाके बाहर का व्यू देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप मीटिंग एरिया जो है यहाँ से भी आप लोग व्यू देख सकते हैं बाहर का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।